मुसीबत में हर वक्त तेरा ही दिया मैंने खाया दिया है, तेरा शुक्रिया ये तेरी कृपा से मिला। अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुटुंब मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे मिले शिव की कृपा से। एक पत्र आया देख, ललिता मालवीय पोए की प्लेट। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइए। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं, मेरी बेटी को गले में, आप लोग भी साथ में पत्र पढ़ा करो, आप लोगों को टीवी पर भी दिखाया जाता है और एलईडी पर भी दिखाया जाता है। मैं ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की, मेरी बेटी के गले में एक गठान व एक हाथ में गठान भी हो गई थी, एक कमर में मुझे भी एक बड़ी गांठ पड़ गई थी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन करने के लिए गए, शिवजी को जल चढ़ाकर चले गए, बेलपत्री का सेवन कर चले गए, बाबा से विनय कर चले गए, गुरुदेव जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा कर गए। और ऑपरेशन थिएटर में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। ये शिव तत्व, ये शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया जी, मेरा नाम सौंदई गोपी सेनी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कोसी कला जिला मथुरा ब्रज की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कोसी कला ब्रज मथुरा की रहने वाली हूँ, जहाँ भी बैठी हो पहले तो आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रज की रज से पधारी हो, हमारे बिहारी जी की रज से पधारी हो, मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद से पधारी हो, प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी बाबा की महिमा का क्या बखान करूं, गुरु जी मेरी बेटी को ससुराल वाले बहुत दुखी रखते थे और बहुत अपशब्द भी बोला करते थे। गुरु जी तलाक तक की नौबत पड़ गई थी, तलाक तक की नौबत आ गई थी। गुरु जी हम कथा सुन रहे थे टीवी पर, सबसे पहले अशोक नगर वाली कथा सुनी जो आदरणीय केपी यादव जी सांसद जी ने कही, एक लोटा जल सारी समस्या का हल का वर्णन सुना। फिर गुरुजी मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा आपने ही सब कुछ दिया है, आप ही सब संभालेंगे। इतने दिनों से मेरी बेटी घर रहती, बाबा से कहा सोमवार की अष्टमी का उपाय जो आपने बताया था वो किया। फिर हमने बेटी को सोमवार की अष्टमी का उपाय कराकर पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, शिवजी के जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी दूसरा सोमवार बेटी को लेने आने के लिए ससुराल वालों का फोन आ गया, आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से अच्छे से रह रही, मैं धन्यवाद दे रही। ये शिव तत्व है। शंभु शरण मांगू घड़ी दया करी दर्शन। शिव भक्ति इसको कर। एक 300 किलोमीटर दूर से कोई गांव है, वहां से 4-5 लोग पैदल चलकर आए, कहीं बैठे हैं कथा में ना बैठे हैं, आप ही लोग हैं, जोरदार ताली बजाएं, पधारो पधारो, चारों आ जाओ, आओ जाओ।
300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये तीनों लेडीज जेंट्स 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए कुबेरेश्वर बाबा। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुण है। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। ये शिव तत्व है जो जान गया कुबेरेश्वर बाबा की महत्वता को, जो जान गया कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की महत्वता को, वो रुकता नहीं, पैदल चलता चलता 300-500 किलोमीटर दूर आई। शिव कृपा, बहन जी का कहना है, उनके पति का कहना है कि मेरी धर्म पत्नी के सिर की नस फट गई थी, अंदर खून जम गया था, डॉक्टर ने कह दिया था ये समाप्त हो जाएंगी, पर बाबा के धाम ने, बाबा की कृपा ने, एक लोटा जल ने बचा लिया, इसलिए 300 किलोमीटर से पैदल चलकर आए। हर हर महा अविरल भक्ति का बल, अरे डम 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 रो ये शिव है, भोगघड़ी है, दयालु है, दातार है, करुणा सागर, उसकी भक्ति बड़ी है। करो विश्वास, किसी ढोंग में नहीं पड़ना, प्रपंच में नहीं पड़ना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, केवल शिव के दरवाजे तक जाना है। तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम तो वहां का नियम बना लो कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, फिर बाबा संभाल लेगा, फिर बाबा संभाल ले, बनाओ। मेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना मेरा। करो, विरल भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। दीदी बोल रही है हमारी दूसरी बार आगमन हुआ, ये दूसरी बार उनका आगमन बाबा की कृपा, ये शिव, ये अभी तक आपको लगता होगा इस भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, पर जिस जमीन पर सो रहे हो वहां एक बारीक सा भी अगर कंकर है, समझ लेना अकेले नहीं सो रहे हो, मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ है। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम। करो भजन, सत्य रथ शिव भक्ति में लगे थे। जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है वो खाली नहीं रहता, शंकर का कथा सुनने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर के मंदिर जाने वाला, शंकर मंदिर को निर्मल करने वाला, साफ करने वाला,
शिव मंदिर में कभी मौका मिल जाए, लाइट लगा दी है, बुआरी लगा दी, झाड़ू लगा दी, कोई जाला भी हो गया साफ कर दिया, कोई कचरा भी हो गया साफ कर दिया, शिव मंदिर में निर्मलता देने वाला कभी कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका प्रमोशन होते चला करो। भक्ति कर, महाराज आया समय, राजा सत्यरथ की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि शंकर का भजन करता है, शिव की भक्ति करता है, विदर्भ का राजा है राजा सत्यरथ, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है। अब लोगों को पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि बताओ शंकर का भजन करता है, शंकर का भजन करता है, इतनी बड़ी राज सत्ता है, उसको कहीं जाता ना आता संभाल लेता है। ये राजा सत्यारथ के पीछे पूरे नगर नगर के नगर नगर के राजा पड़ गए, उन्होंने विचार कर लिया इसकी संपदा बढ़ गई, इसकी सत्ता बढ़ गई, इसका वैभव बढ़ गया, कुछ भी करो इसकी सत्ता का धन अपने पास मिल जाए, ऐसा कुछ करा। एक बात याद रखना अपने जीवन में, दूसरे का धन चुरा सकते हो, दूसरे के कपड़े चुरा सकते हो, दूसरे की रकम चुरा सकते हो, पर दूसरे की विद्वत्ता नहीं चुरा सकते, ये बड़ा कठिन है। भक्ति नहीं चुरा सकते, भजन नहीं चुरा सकते, मंत्र जाप स्मरण कीर्तन नहीं चुरा सकते। ये 15 यजमान जो शिव महापुराण के बने हैं, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता है, कहीं शिव की कृपा करुणा उदारता का फल है। ये 15 यजमान के घर के जो बुजुर्ग रहे होंगे ना, उन्होंने जरूर शंकर भगवान की भक्ति करी होगी, तब जाकर उस भक्ति का फल आज इनको मिला है कि यहाँ के यजमान पद पर। और एक बात कहना चाहूंगा, एक एक यजमान से पूछना, इनके लिए कहीं भोजन अलग से नहीं बन रहा, इनके लिए कोई चाय नहीं बन रही, इनके लिए कोई सामग्री अलग से नहीं आ रही, जो भंडारा आज क्या बना है, आज भंडारे में नुक्ती बोलते जाओ, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और खिचड़ी, यही बना है ना, अरे बोलो तो जमके। हाँ, तो ये जो यहां बना है वही की वही, जो सब पा रहे हैं वही ये पा रहे, कोई अलग से नहीं। और कोई के दूसरे यजमान होते तो कहते साहब हमारी व्यवस्था अलग करिए, हम हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, पर सब शिव का रूप है, उनके साथ में विराजमान होने वाली सब पार्वती का रूप है, तो ये शिव तत्व समाया। आते कई लोग कि साहब ये व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए, कई लोग आते साहब ये व्यवस्था होना चाहिए थी, वो व्यवस्था होना चाहिए थी, व्यवस्था करने वाला देवाधिदेव महादेव है, अपन तो निमित्त मात्र है। जब उसने भेजा था संसार में तो भी तो उसी ने व्यवस्था करी थी कि तू इस घर में जाएगा, तेरे माता पिता ये बनेंगे, तेरे भाई बंधु ये बनेंगे, तो व्यवस्था वो करता है कि तुझे कहाँ जाना है, क्या पाना है और कैसे रहना है, उसके हाथ में करने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल वह। उसने अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, राजा सत्यारथ के ऊपर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करा, जितना वैभव था, जितना धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितनी सत्ता थी राजा सत्यारथ के यहाँ, सारी संपदा को आस पास के जितने राजा थे उन्होंने देखा ये लगा हुआ है, उन्होंने संपदा को छुड़ा लिया, संपदा को छुड़ाया, आस